इतना लेट से जो है तुम काहे उठती है, है? चाय बनाने का तुमको ढंग नहीं है क्या? ठीक तो है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, मेरी छोटी सी दुनिया विद माय बेबी। आप लोगों को पता होगा कि मैं कल बीमार हो गई थी, तो अभी हूँ बीमार, लेकिन आज मैं हम लोग जा रही हूँ ससुराल, और मज़ा आने वाला है। ससुराल में बहुत ही मज़ा आता है, और मेरा गांव है, मेरे सासू माँ, मेरे ससुर, सबके बारे में आपको जानकारी देंगे और सबके बारे में आपको पोल खोलेंगे इस बार, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा कि कौन कैसा है, मैं आप सबके आज रियल में पोल खोलने वाली हूँ। तो मेरी जेठानी, मेरी बड़े भैंसुर सब कैसे हैं, किस टाइप के हैं, तो मैं सबका पोल खोलूँगी इस बार, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा। तो अभी तुरंत मैं तैयारी कर रही हूँ, देखिए पैकिंग वैकिंग हो रहा है, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं स्कूल, क्योंकि उनका ऐसा स्कूल है जो उनका स्कूल खुला रहता है दिवाली, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे स्कूल बंद हो जाता है दिवाली के बाद से, और इनका स्कूल है जो खुला ही हुआ है, और ये चार दिन खुला रहता, आज बंद हो जाएगा 1 बजे से। तो हम लोग आज 1 बजे से जाएंगे ससुराल, तो जो पता चलेगा रिएक्शन, क्योंकि मैं सबसे पीछे जाती हूँ और मेरी पत्नी बड़ी गोतनी लोग आई हुई है। तो आज पैकिंग वैकिंग हो रहा है, आपको सारा सफर में बताएंगे, और सबका बारी बारी से पोल खोलेंगे कि मेरी सासू माँ कैसे हैं, मेरे ससुर जी कैसे हैं, मेरी गोतनी कैसी है, मेरी ननद कैसे हैं, मेरे भैंसुर कैसे हैं, सबका स्वभाव से मैं वाकिफ करवाऊँगी लाइव। तो मेरे साथ बने रहिएगा कि ऐसा ससुराल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग, ठीक है? बने रहिएगा, पक्का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये वीडियो, ठीक है? तो अभी मैं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और देखिए अब 9:30 हो गया, अब 1 बजे से हम लोग को निकलना भी है, और खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो अब धीरे धीरे बनाऊँगी, और पैकिंग है, नहाना है, सुनाना है, पूरा काम ही समझिए बाकी है, और मेरी बेबी है अभी बाथरूम में गई हुई है, वो तो अलग परेशान करेगी, इसके पापा रहते तो संभाल लेते हैं पूरा, आप लोग तो जानते हैं मेरी वीडियो में मेरे हस्बैंड कितनी हेल्प करते हैं। और अभी मॉर्निंग चाय बनाकर अच्छे से गए हैं, पी लीजिए और आराम, क्योंकि उनको भी तो जाना ज़रूरी है काम पे, तो इसीलिए। तो थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? अब हम लोग जा रहे हैं, तो रास्ते में सफर में मिलते हैं, चलिए। एक्साइटेड है तनिष्का, अभी 2 घंटे का रास्ता बाकी है, अभी हम लोग मोतिहारी से छपाए हैं, और ये मेरे ससुर जी है, ससुर जी आ गए हैं गाड़ी लेकर, पापा जी देखो, बोलो दादाजी आ गए, दादाजी आइए बैठिए, बोलो दादाजी क्या आया है तुम्हारे लिए? कपड़ा आया है। कहाँ आया है? यहाँ पे। अरे वाह, ये है मेरी बड़ी गुस्मी के बड़ा बेटा, तो आज इसके लिए ड्रेस खरीदाया है, तो बहुत हैप्पी है, और मैं बहुत रात हो गई है, हम लोगों को आते आते 8:30 हो गया है, और यहाँ है तनिष्का, तनिष्का मेरी सासू माँ, देखिए यहाँ हम लोग के यहाँ बिहार में छठ पूजा आप लोग जानते ही होंगे, छठ पूजा बहुत ही फेमस होता है, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं छठ पूजा के दिन, और ये देखिए मेरी बड़ी गुतनी गई खाना देने के लिए पापा जी को, ये मेरी माँ है, और मैं थोड़ा देर हो गई है बैठे हुए, अभी हम लोग बैठ के खूब गप्पे लड़ा रहे थे। हम आपको बताए थे ना पोल खोलेंगे, चलिए पोल खोलते हैं। किसका? आर्यन का। हाँ? ये है बहुत बदमाश लड़का है। इसका पोल खुल गया, गौर से देखिए, बहुत बदमाश है। मेरे से सामान करवाएगा और मेरा ही उल्टा कर देगा मम्मी को जाके कि मम्मी देखो छोटी मम्मी आपके बारे में ये बोली है, इतना बदमाश है। और
और उसके बाद मेरी सासू माँ तो बहुत ही सीधी है, तो उनके बारे में क्या पोल खोले। और मेरी बड़ी गुतनी, बड़ी गुतनी क्या है, बड़ी दीदी। तो ये तो बड़ी गुतनी कैसी होती है, वैसी ही है। खूब सारा डांट लगाने वाली, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो जैसा होता है ना। फिर भी मजे से हम लोग मस्ती करके हम लोग बहन के जैसे रहते हैं। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि देखने में भी आपको लग रही होगी। खुल गए पोल। अब आया मेरे पापा जी के बारी। चलिए पापा जी वाली, वेट कीजिए थोड़ा देर, तुम अपने पापा जी के बारे में बताते हैं। इतना लेट से जो है तुम काहे उठती है, है? चाय बनाने का तुमको ढंग नहीं है क्या? तबीयत खराब था ना मेरा। तबीयत जब भी यहाँ आती है तुम्हारा तबीयत खराब हो जाता है। ऐसा जो आप लोग शुरू में देखे होंगे कि मेरी सुसु जी डांट रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मैंने आप लोगों को ये दिखाने के, क्योंकि दूसरे के ससुराल में ऐसा होता है, लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश और हैप्पी मिलजुल के रहते हैं। तो गाइस, आप लोग बने रहिए मेरा सारा ससुराल का वीडियो देखने के लिए। ये है मेरा छोटा सा ससुराल, छोटा सा फैमिली है। और अभी मेरे पापा जी का खाना आ गया हुआ है। खाने आज हम लोग की वजह से लेट खा रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में सवेरे जब हम लोग नहीं आए रहते पहले से रहते घर में, तो जल्दी सब लोग खा लिया रहता। 8 बजे तक सब लोग एक नींद मार लिया रहता। तो आज हम लोग आए हैं तो सब लोग एक्साइटेड है, सब लोग के लिए सब ला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये है वो है। तो और मेरे बड़ी भैंसूर का ये है कि समझिए ना, दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही जैसी, टू कॉपी। तो बहुत अच्छा मेरा ससुराल है। और ये मेरे ससुर जी है, इनके बारे में क्या बोले, ये भी बहुत ही सीधे साधे हैं, एकदम एंजॉय, जैसे आप लोगों के शहर में होते हैं ना एकदम फ्रेंकली, तो ऐसे मेरे पापा जी भी फ्रेंकली है एकदम से। हम इनके सामने एकदम पापा बेटी होते हैं ना, इस तरीके से हम लोग रहते हैं। तो ये है मेरे पापा जी। आप लोगों को देखने से लगता है हम लोग गांव में रहते हैं। आप लोगों को अंदाजा, आपको लगता होगा कि गांव में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन गांव में हम लोग इसी तरीके से प्यार से रहते हैं। और ये मेरे पापा जी हैं, और कुछ भी नहीं, यहाँ पे इतना टेंशन नहीं है, एकदम पूरा फ्रेंकली हम लोग रहते हैं। तो ये है मेरे ससुराल गेंदा फूल। खट्टी मीठी तीखी, तभी तो मजा आता है। ये मेरा छोटा सा फैमिली है, बहुत मजा आता है। और आप लोगों को कल का पूरा भी है। हाँ, और छठ पूजा में बहुत ही मजा आता है। तो आप लोग ये ब्लॉग देखने के बाद मेरा पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही मजा आने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने खाना उना खाने, नहीं तो आज बहुत लेट हो गया। तो बताइएगा फ्रेंड्स, किस किस को ऐसा ससुराल चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमको हर जन्म में इसी तरीके का ससुराल मिले, मस्ती भरा। तो आप लोगों को मेरा ससुराल कैसा लगा, प्यार भरा ससुराल है, और आगे भी दिखाएंगे, अभी तो नॉर्मल है सब। तो सारा प्यार भरा सारा चीज़ मैं आप लोगों के सामने करूँगी कि कैसा है मेरा ससुराल। बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आ जाता है ऐसे में।